अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने कल इससे पहले एक लेक्चर डिस्कस किया था, इसमें हमने हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स को डिस्कस किया था। आज हम मीजोफाइट्स और जेरोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक पर। सो मेजोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? मेजोफाइट्स मैंने आपको पहले बताया था, ये वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट वाटर कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं, मॉडरेट वाटर कंडीशन। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कॉमन लेड प्लांट्स कहते हैं, नोन एज कॉमन लेड प्लांट्स। कॉमन लेड प्लांट्स जो होते हैं ना, वो मॉडरेट सप्लाई वाटर की तरह, न पानी ज्यादा होना चाहिए इनके पास, ना पानी कम होना चाहिए। सो ये क्या करते हैं, दे हैव वेल, अच्छा इनके पास डेवलप्ड रूट्स होते हैं, ओके, और मॉडरेट लीव्स और क्यूटिकल्स होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं होते, छोटे भी नहीं होता। और इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं, अच्छा इनके स्टोमेटा जो है ना, वो दोनों एपिडर्मिस में मौजूद हो सकते हैं, ये ऊपर एपिडर्मिस में मौजूद हो सकते हैं और कुछ प्लांट्स में लोअर एपिडर्मिस में मौजूद है। लेकिन अब ये मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं तो देखिए ये कैसे सर्वाइव करेंगे। देखिए कभी कभार वाटर की शॉर्टेज भी होती है, कभी कभार वाटर ज्यादा होता है इन प्लांट्स के पास, कॉमन लेड प्लांट्स के पास। जब वाटर लो कंडीशन के अंदर हो, इनके पास वाटर की कंडीशन लो हो, तो ये क्या करेंगे, दे क्लोज देयर स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे और ट्रांसपोर्टेशन का रेट लो हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। इसके अलावा अगर वाटर की कंडीशन हाई है तो ये क्या करेंगे, दे ओपन देयर स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ओपन करेंगे ड्यूरिंग द डे और परफॉर्म करेंगे गटेशन एट नाइट। दिन में स्टोमेटा ओपन करके ट्रांसपायरेशन करेंगे और रात में गटेशन परफॉर्म करेंगे, और ट्रांसपायरेशन और गटेशन में आपको दोनों ही पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप जिस जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़े तो शुरू वाले लेक्चर्स क्लास में देखें, क्योंकि उनके बगैर आप ये नहीं समझ पाओगे। एग्जांपल क्या है, मैंगो, रोज और बीट, अच्छा मेज, ग्रेन वगैरह जो भी है, ये कॉमन लेड प्लांट्स जितने भी आपको नजर आते हैं वो सारे मेजोफाइट्स। इसके अलावा जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो सॉइल के अंदर, ऐसे सॉइल में पाए जाते हैं जहां पर लो वाटर क्वांटिटी, जैसे कि ये कहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, ये ड्राई प्लेसेस में हो सकते हैं, स्टीप स्लोप्स पहाड़ ढलाने में हो सकते हैं, डिजर्ट्स में हो सकते हैं, या हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी हो सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड। तो ओवरऑल कहूँ तो ये जो जेरो वर्ड है, जेरो का मतलब ही है डिजर्ट, जेरिक से मतलब। और ये क्या करते हैं, जब अगर उनके पास कंडीशन क्या है, पानी बिल्कुल नहीं है, ड्राई एनवायरमेंट है, तो ये वाटर कंजर्व भी करेंगे जो उनके पास है, उसको बचाएंगे इसी, और कुछ वाटर एब्जॉर्ब भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। इसके लिए अडॉप्टेशन, तो अडॉप्टेशन क्या है, देखिए सबसे पहले अडॉप्टेशन है, दे हैव डीप रूटिंग सिस्टम। रूटिंग सिस्टम इनका बहुत ज्यादा डीप है, डीप है या बिल्कुल फैलावा है, क्यों, ताकि ये वाटर का प्रॉपर अमाउंट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। जैसे इनके पास वर्टिकल रूट्स भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल रूट्स भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। वर्टिकल रूट्स कौन से, किसके अंदर है, बनियान, इन पौधों के अंदर होंगे, और कट्टी, कप्टस का पौधा जो होते देखा है ना, वहां पर हॉरिजॉन्टल रूट्स। दूसरी अडॉप्टेशन है, दे हैव थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल्स, इनके पास थिक और वैक्सी क्यूटिकल है, ताकि वाटर, वैक्स आपको पता है एक्सुलेशन लेयर बनता है जिसमें वाटर रिमूव नहीं हो पाता, और क्यूटिकल्स भी वाटर रिमूवल से प्रिवेंट करता है, वाटर को प्रिवेंट करता है लॉस से। क्यूटिकल्स इनके पास क्या है, थिक और वैक्सी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से वाटर लॉस ही नहीं होता, ट्रांसपिरेशन के जरिए ही, ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ही नहीं होता। इसके अलावा ये प्रिवेंट कर रहे, कंजर्व कर रहे हैं इस लिहाज से। दूसरा, थर्ड, देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, अच्छा कपटी के ऊपर अपने कांटे देखे हैं, एलोवेरा कपटी वगैरह जो भी है, या पॉलिटेल, तो ये कांटे जो है ना, एक्चुअली इनके मॉडिफाइड लीव्स है, इनके लीव्स मॉडिफाई होकर कांटे बन जाते हैं, स्पाइंस बन जाते हैं, क्यों, ताकि इनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या हो, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, कम हो, या बिल्कुल ना हो, या तो बिल्कुल डेड हो, जिसकी वजह से स्टोमेटा वर्क ही ना करे और वाटर लॉस ही ना हो। दूसरा, दे हैव सनकिन स्टोमेटा, अच्छा इनके स्टोमेटा सनकिन हो सकते हैं, सनकिन का मतलब मुड़े हुए अंदर की तरफ, धसे हुए, या बिल्कुल पूरे घुसे हुए स्टोमेटा, मतलब इनका फेस ऊपर, स्टोमेटा बाहर की तरफ होते हैं और ये सनकिन स्टोमेटा अंदर की तरफ होते हैं, सिंपल। दे हैव सिक्युलेंट स्टेम, अच्छा कुछ स्टेम के अंदर, इनके स्टेम आपने देखा होगा जूसी स्टेम, एलोवेरा देखा होगा, पोनीटेल देखा होगा, तो जूसी स्टेम है इनकी। अब इनको काटो तो यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है, ये फ्लूइड क्या है,
एक तो जो जूसी स्टेम है इसीलिए हम इसको कहते हैं सुकुलेंट स्टेम, क्योंकि इसके पास पेरेंट क्राइमेटिस सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं वाटर रिलीज करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का वाटर बनाते हैं, फ्लूइड बनाते हैं, इसलिए फ्लूइडी स्टेम हो जाता है जिसको हम कहते हैं सुकुलेंट स्टेम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।